हेलो, मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ टेंस की, बिकॉज टेंस अभी के समय में सीखना लॉकडाउन के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर स्पोकन इंग्लिश के लिए। ये वीडियो पहले भी आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट उसमें मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी। सो अगेन फॉर टेंस लर्निंग टेंस इन इंग्लिश आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो टेंस इज अ टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए टेंस है क्या। टेंस एक टर्म है जो कि यूज होता है ग्रामर में किसी भी टाइम जो होता है ना, इवेंट और वर्क का, एक्शन का, कुछ काम किया, किसी किस काम को किस समय में हुआ, वो होता है आपका टेंस। तो टेंस होता क्या है, टर्म यूज इन इंग्लिश ग्रामर टू इंडिकेट टाइम ऑफ द एक्शन और इवेंट। इसके टाइप्स तीन होते हैं मेजर, जान लें। ये मेरी फोर्थ वीडियो थी। प्रेजेंट टेंस जो कि फर्स्ट टाइप होता है, देन पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यू ऑल नो दैट। सो नाउ वी विल सी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सो व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन टेक्स प्लेस एट प्रेजेंट, इट इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। तो कोई काम अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी के टाइम पे काम हो रहा है, जो अभी इस समय होता है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो द प्रेजेंट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टेंस हुज प्रिंसिपल फंक्शन इज टू लोकेट अ सिचुएशन और इवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब क्या है कि अभी के टाइम पे जो कोई हुआ कुछ फंक्शन, लोकेट करता है ये सिचुएशंस को, स्थिति को अभी के टाइम के लिए। और इसका काम होता है आपका, यूज होता है अभी के हैपनिंग, जो अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ मींस डेली रूटीन, आप जो होता है अभी जो कर रहे हैं प्रेजेंट में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊं क्या होता है इसमें, आपका जो डेली रूटीन बताता है कि डेली जो चीजें आप करते हो, जैसे आप सुबह उठते हो 5 बजे, आई वेक अप एट 5 o'clock। सो आपको जो डेली रूटीन बताया वो क्या होता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपका डेली रूटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या करता है, आपका डेली रूटीन बताता है। ओके, सो व्हाट द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेल्स अस, डेली रूटीन विच थिंग्स यू डेली डू इन योर लाइफ, जो चीजें आप डेली करते हैं। देन सेकेंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। क्या करता है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ जो बताए, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, रात होती है दिन होती है, तो ये सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कभी किसी टेंस में, मीन्स वो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस में ही होगा वो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के क्या है, टेंस के टाइप आपके, देखिए आपका क्या है प्रेजेंट टेंस का टाइप, वेट लेट मी एंड दिस। सो प्रेजेंट टाइप इनडेफिनेट टाइम्स जो है आपका वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट टाइम। अब आते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि पहला आपका था प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, देन कॉन्टिन्यूस, देन आपका था कॉन्टिन्यूस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद क्या था आपका, परफेक्ट के बाद था आपका वेट फॉर अ व्हाइल। सो प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट इनडेफिनेट। आप टाइप्स एक और बार देख लें, हेलो। सो ये चीजें देखी आपने, देन प्रेजेंट इंडेफिनेट के टाइप्स में था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो नाउ प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो कि फर्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट टेंस का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस लगा रहेगा ऑब्जेक्ट, और इसमें एस और ई एस आपको यूज करना है सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ, जैसे नेम होगा, यू ही शी इट होगा, और नेम किसी के बारे में थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, एस ई एस वर्ब के साथ, ये डेफिनेट टेंस हो। प्रेजेंट इनडेफिनेट नेगेटिव में आपका आ जाता है डू डज, सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाता है आपका, डू डज। तो सब्जेक्ट के साथ जिसमें डू डज आ जाए वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट डू डज नॉट, ठीक है, नॉट आ रहा है तो नेगेटिव वाला होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, और डू लगता है फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ, फर्स्ट जैसे आई यू दे वी, ठीक है, डज लगता है आपका थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही शी इट और नाम, तो डू डज लग जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल वगैरह भी हम देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल और इंट्रोगेटिव पहले देख लेते हैं। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज अब पहले लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट,
देन एग्जाम्पल लाइक डू यू गो टू स्कूल, एक एग्जाम्पल ये हो गया। इंट्रोगेटिव के भी देखेंगे, नेगेटिव के बाद, तो नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें डू डज, ठीक है, डू डज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है बट नेगेटिव है। सो आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल लाइक डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये होगा आपका इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल ये बनाया था मैंने। देन वी विल सी नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एग्जांपल्स लास्ट में इकट्ठा सारे देखेंगे। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, आई गो टू कॉलेज। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। ये नेगेटिव का है, ओके ये नेगेटिव का है। अब ये इंट्रोगेटिव का, ही स्पीक इंग्लिश वेल, डू आई, ओके डू आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछा। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, यहाँ पे भी डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। डज शी नॉट कुक फूड, डू यू वेयर अ मास्क। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें आपको सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सबके टाइप्स और एग्जाम्पल मिल गए होंगे। सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, एंड कमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपकी नेक्स्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उस टाइम मैंने लिखा था। सो शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर फॉर हेल्पिंग लर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू अदर्स एज वेल।